अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और आज सर्दी का सीज़न शुरू है, तो आज मैं ये रेड गाजरें अब बाज़ार में आ गई हैं, तो मैं आज बनाऊंगी गाजर का हलवा और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी है। और ज़रूर आप खा के इसको इंजॉय करेंगे। ज़रूर बताइएगा कि अभी सर्दियों में गाजर का हलवा, गाजर की खीर बहुत मज़े से लोग खाते हैं। तो आज मैं गाजरों को मैंने लिया तकरीबन ये 5 किलो गाजरे हैं और 5 किलो ही दूध है जिसमें मैं इनको पकाऊंगी। और गाजरों को मैंने धो के साफ कर लिया और इनको मैंने इस तरह टुकड़ों में काट लिया। अब इनको मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूंगी। गाजरे मैं थोड़ी थोड़ी करके डालती जाऊंगी और इनको मैं क्रश कर लूंगी। और जैसे जैसे ये क्रश होती जाएंगी इनको मैं दूध में डालती जाऊंगी। पांच किलो दूध है, इसको मैंने बॉईल कर लिया। 4 लीटर फ्रेश दूध है और 1.5 लीटर का डब्बा मैंने ऑलपर्स का डाला है। अब मैं इसमें डालूंगी गाजरों को। ये देखिए मैंने इस तरह इनको बारीक इस तरह मैंने क्रश कर लिया। बहुत ज़्यादा आपने बारीक नहीं करनी मशीन में, बस इतनी चलानी है मशीन के ये दरमियानी हो जाए, ज़्यादा बारीक ना हो। अब इसी तरह बाकी सारी गाजरों को भी क्रश करके डालती जाऊँगी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता हल्की आँच पर पकता जाएगा। दूध और गाजरे बिल्कुल पकने लग गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी इलायचियाँ और पिस्ता बादाम। इसमें थोड़ा सा ये पक जाए, जब हाफ ये कुक हो जाएगा और इसका दूध खुश्क होकर आधा रह जाएगा फिर मैं इसमें पिस्ता बादाम डालूंगी। अभी मैं इसमें डालूंगी 5 इलायचियाँ ताकि अच्छी खुशबू आए। इलायचियों को मैं थोड़ा सा तोड़ लूँगी। ये देखें और ये हमारा दूध देखें पकना शुरू हो गया है। अब ये ऐसा ऐसा पकता जाएगा, जैसे दूध खुश्क होएगा फिर मैं गाजरे घी डाल के भून लूँगी और इसमें चीनी शामिल कर लूँगी। अब दूध हमारा पक के तकरीबन आधा हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी मेवा। ये देखिए 1 कप मेवे का है, ये इसके अंदर जाएंगे। और ये थोड़े से अखरोट हैं, ये जाएंगे इसके अंदर। और ये बादाम बारीक कटे हुए हैं, ये इसके अंदर चले जाएंगे। मैं इनको अच्छी तरह से कर लूँगी मिक्स। अब इसमें मैं डालूँगी चीनी। चीनी तकरीबन मैं इसमें 4 मग चीनी के डालूंगी, चाय वाले 4 मग डालूंगी। फिर आप टेस्ट कर लें, फिर आपको जैसा मीठा आप पसंद करते हैं वैसा मीठा फिर आप खाएं। ये चाय वाला 1 मग है, ये मैं चीनी का डालूंगी और ये दूसरा। अब मैं थोड़ा इसको पकने दूंगी, थोड़ा मैं टेस्ट करूंगी, फिर मैं ज़रूरत हुई तो मैं और डालूंगी वरना मैं इतना ही डालूंगी। फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लें, आप जैसा मीठा खाते हैं वैसा इसमें डालें। हलवा हमारा बनके तैयार है। देखिए दूध बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी खोया। ये तकरीबन आधा किलो खोया है जो मैं इसमें डालूंगी। ये देखिए ये मैं इसमें डाल दूंगी और इसको मैं कर लूंगी अच्छी तरह से मिक्स। तो मैं अच्छी तरह से ही मिक्स कर लूँगी। हलवा हमारा बनके हो गया है तैयार। अब इस करूँगी डिश आउट इसे, तो मैं निकालूंगी एक डोंगे में। माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है कि दिल करता है कि बस गर्मा गर्म खा लो। ये हलवा हो गया तैयार। अब मैं इसकी करूँगी गार्निशिंग पिस्ता पर।